फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक में थोड़ी सी आज गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट को आप अपना खरीदारी का मौका समझें और दोनों स्टॉक में निवेश करने के बारे में संभावनाएं तलाशें, क्योंकि दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार लग रहे हैं और आने वाले समय के मल्टीबैगर स्टॉक। फ्रेंड्स, इन दोनों स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को मालामाल कर दिया है। करीब 125% का रिटर्न दिया है ट्राइडेंट लिमिटेड ने और करीब 225% का रिटर्न दिया है ऊर्जा ग्लोबल ने। तो बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला है स्टॉक के अंदर और आगे भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संभावनाएं बन रही है। तो इस समय इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए और ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल करेक्शन के दौर में है, थोड़ी सी इसमें गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी बनती है। तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और इनका क्या भविष्य रह सकता है और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेंगे, सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड एक बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, लेकिन उनका जो मुख्य बिजनेस है वो है टेक्सटाइल्स का, यान का निर्माण करती है कंपनी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है। इंडिया के अलावा विदेशों में भी बहुत ज़्यादा उनका कारोबार फैला हुआ है और बहुत ही शानदार कंपनी है और इस बार क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा दिया है। और सबसे बड़ी बात, ट्राइडेंट लिमिटेड ने इस बार 1100 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग का भी प्लान बनाया, यानी अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसके लिए वो 600 करोड़ रुपए के NCDS जारी करेगी, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करेगी, साथ में 500 करोड़ रुपीज़ के इक्विटी शेयर जारी करेगी। तो इस तरह से 1100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की जाएगी, जिससे कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार इंडिया के अंदर बड़े बड़े अपने टेक्सटाइल के शोरूम खोल रही है, यानी कारोबार को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है। इस समय बिल्कुल आपको निवेश कर लेना चाहिए। पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 17.05 पर ओपन हुआ, ये दिन भर की हाई थी, लो है 16.65 का और क्लोजिंग आई है वो है 16.70 पर, 0.60% डाउन पर। अगर पिछले एक महीने की इसकी वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके पीछे वजह है लोगों ने काफ़ी इसमें खरीदारी कर ली है और अब लोग इसमें फिलहाल ट्रेडिंग करने से बच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाके आया है। लेकिन पिछले एक साल में इस स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है, करीब 274% का रिटर्न मिल चुका है लोगों को, बहुत ही शानदार, यानी मालामाल कर दिया लोगों को। और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक से करीब 13.89% दूर है, यानी करीब ये 19.5 के आसपास जाके आया है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के अंदर कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो ये थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा और अभी भी ये थोड़ा करेक्शन के दौर में, फिर से अगर आपको ये स्टॉक 16 के आसपास मिलता है, मैंने आपको पहले ही बोला 15.5 से 16 के आसपास इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, उसके बाद इसमें आपको बिल्कुल खरीदारी कर लेनी चाहिए। पिछले एक महीने में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, 22.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 में सिर्फ 6.15% का ही रिटर्न मिला है। तो बहुत ही शानदार ये दौड़ा है एक महीने में और बहुत ही ज़बरदस्त आगे भी तेज़ी की संभावना बन रही है। और फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल ने इसका 18.40 का टारगेट दिया हुआ है और उनका कहना है कि आपको करंट लेवल से खरीदारी करनी चाहिए, बहुत जल्दी ये 18.5 तक जा सकता है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से कंपनी कारोबार कर रही है वो लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका बाजार में कर सकता है और लगातार हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी बेहतर होते जा रहा है। कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है, कंपनी विज़न 25 पेश किया जिसके तहत उन्होंने 2025 तक कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में लाने का उनका सपना है और जिसके इनके शेयर होल्डर है, साथ में इनके जो प्रमोटर है, इनके जो टीम है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले ऐसी इनकी इच्छा है। साथ में कंपनी हमेशा पर्यावरण को ध्यान में रख के काम करने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियाँ बहुत कम हैं जो अपने कारोबार के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखती है, किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे इसका वो ध्यान रख के कारोबार करते हैं। हर चीज़ जो उन्होंने यूज़ कर लिया उसको रीयूज़ करते हैं, 5R के ऊपर कंपनी काम करती है। तो ऐसी कंपनी में निवेश बिल्कुल करना चाहिए जिसकी ईमानदारी हो, लगातार डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है। ऐसे छोटी कंपनियां बहुत कम डिविडेंड बांटती है, लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड का इतिहास बहुत अच्छा है, लगातार डिविडेंड बांटते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए और मैंने आपको लगातार बोला, जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी तभी मैंने आपको खरीदारी के लिए बोला था, मैं अभी भी आपको खरीदारी के लिए बोल रहा हूँ। इसका स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है,
सिर्फ आप अपना 2 साल का नजरिया रख ले तो ये 100+ जाते हुए आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है खरीदारी के लिए और इसमें आपको निवेश करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं जिससे पता चलेगा शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं और इसकी गिरावट में यह कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बाजार में गिरावट होती है और स्टॉक नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? तो करेक्शन में ये जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 15.47 का, सेकंड सपोर्ट इसका 13.98 का है और स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 12.07 तक। तो बाजार में अगर बड़ी गिरावट होती है तो ये फिर से 12 तक भी जा सकता है, लेकिन ये संभावना तभी होगी जब बाजार में एक तरफा भयंकर गिरावट हो, वरना इतना नीचे तक स्टॉक नहीं जाएगा, 15 के ऊपर ये ट्रेड करेगा। फिर हम इसके एक बार टारगेट को भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से अभी स्टॉक दौड़ेगा तो फिर जाएगा 18.87 तक, जो कि वो मोतीलाल ओसवाल का दिया हुआ टारगेट के पास में ही है। सेकंड इसका टारगेट है वो है 20.78 का, तो ये नई हाई बन जाएगी 52 वीक की अगर यहाँ तक पहुँचा तो, और यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो फिर जाएगा 22.27 तक। तो बहुत कम समय में ये 22 के ऊपर स्टॉक जा सकता है, तो खरीदारी के लिए बिल्कुल अच्छा मौका बन रहा है। इस लेवल पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो इसमें हमको आराम से अभी 30-40% का और रिटर्न आराम से मिल सकता है बहुत कम समय में। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, खरीदारी के इसमें करनी चाहिए। यह आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। जैसे कि आपको पता ही है ऊर्जा ग्लोबल का कामकाज है ग्रीन एनर्जी का, सोलर लाइट, सोलर लैंप्स, सोलर पैनल, बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट बनाती है, चार्जेबल सोलर बैटरी बनाती है, सोलर इन्वर्टर बनाती है, कंपनी की ई रिक्शा की बैटरी है, साथ में कार की बैटरी बनाती है, यानी बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट बनाती है ऊर्जा ग्लोबल, जिनका कारोबार आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के ऊपर से सारी की सारी संभावनाएं खत्म होने वाली है। आने वाला समय सिर्फ ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। तो इस समय ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक आप भी खरीदारी करके रखते हो तो अभी फिलहाल ये पैनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न देगा और ये आपको मालामाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो लगातार जिसको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है और इस वजह से इस कंपनी का भविष्य उज्जवल लग रहा है और स्टॉक बहुत ही सस्ते में हमें मिल रहा है। पिछले एक साल में इसने भी बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न दिया लोगों को, करीब 215.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अभी फिलहाल ये 31.11% दूर है अपने 52 वीक के हाई से। पिछले एक महीने में इसने भी शानदार रिटर्न दिया, 17.86% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया, बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला है एक महीने के अंदर। और इस दौरान निफ्टी 50 में 6.15% का रिटर्न मिला है। तो स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है महीने के हिसाब से देखे तो और पूरे साल के हिसाब से देखे तो, दोनों हिसाब से देखे तो स्टॉक ट्राइडेंट के बराबर ये चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक पैनी स्टॉक है, इसका खास आपको ध्यान रखना है। तो निवेश अपने हिसाब से उस हिसाब से ही करना है कि इसमें ज़्यादा निवेश करने पे आपके डूबने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, इसमें निवेश आपको कमा के दे सकता है, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक लग रहा है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड, तो पिछले एक महीने पहले इसका 28 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 40 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 18 लाख का वॉल्यूम था और आज इसका 24 लाख का वॉल्यूम हुआ है। मतलब वॉल्यूम में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। सबसे बड़ी बात, सरकार भी ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, उनको राहत प्रदान कर रही है जो ग्रीन एनर्जी का काम करते हैं। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए जिसपे सरकार की तरफ से रहमो करम हो। तो ये ऊर्जा ग्लोबल के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सरकार इनकी मदद कर रही है, तो आने वाले समय में इनको बहुत बड़ा कामकाज मिलने वाला है और स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा, तो आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं जिससे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है और इसके टारगेट कहाँ तक बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गिरावट होती है बाजार में तो जो पहला इसका टारगेट निकल सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट है फ्रेंड वो है 6.23 का, स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरता है तो फिर जाएगा 5.52 तक, और फ्रेंड्स उससे नीचे अगर गिरावट होती है तो फिर जाएगा ये 5.08 तक। तो बड़ी गिरावट में ये 5 रुपये तक जा सकता है, लेकिन इतना नीचे गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार में अगर गिरावट होती है बड़ी तो जा सकता है। तो अब इसके टारगेट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जब यहाँ से अगर दौड़ेगा स्टॉक तो फिर फर्स्ट टारगेट इसका 7.38 का है, स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 7.82 तक, और तीसरा इसका टारगेट है फ्रेंड वो है 8.53 का। तो बहुत जल्दी ये 8.5 तक जा सकता है और ऑलरेडी ये यहाँ तक जाके आ चुका है, अभी अपनी 52 की हाई से 31% नीचे है, तो यहाँ से दौड़ सकता है स्टॉक और फिर आगे तेज़ी बना सकता है। तो खरीदारी बिल्कुल आपको इसमें कर लेनी चाहिए, स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय के एक उभरते हुए सितारे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न आगे दे सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड, तो मुझे पहले से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैंने आपको लगातार बोला इसमें आप निवेश कीजिए, और अभी फ़िलहाल ये एक पैनी स्टॉक नहीं रहा है बल्कि एक मजबूत स्टॉक बन चुका है, और आप इसमें अगर निवेश करते हो तो ये आपको बिल्कुल मालामाल करेगा। इसमें आपका सिर्फ 2 साल का नज़रिया आप रख ले
ये 100+ आपको ज़्यादा वो दिखाई देगा। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में भी अगर आप 2 साल का नज़रिया लेके चलोगे तो 50+ इसमें आपकी प्राइस आती हुई दिखाई देगी। यानी दोनों ही स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। खरीदारी इनमें करनी चाहिए, और स्टॉक मार्केट में अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना आता है तभी आप इसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ 20% ही रिस्की स्टॉक में निवेश करें, बाकी का आपका जो 80% है वो स्मॉल कैप में न लगा के आपको लार्ज कैप में 50% लगाना चाहिए और 30% आपको मिड कैप के अच्छे स्टॉक में लगाना चाहिए। उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो सेट करके ही निवेश करें ताकि बाजार में अगर बड़ी गिरावट भी हो तो आपको लॉस ज़्यादा ना हो, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।